2000 लगभग बिछू चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय गांव है तिसौली, अगर बात की जाए तो ताली ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत है। हमारे साथ कई बुजुर्ग किसान हैं, सभी लोगों से चर्चाएं भी करेंगे। क्या इस क्षेत्र में आलू की पैदावार है? क्या किसान कोल्डो में ही आलू डाल रहा है, किसान कुछ बेच भी रहा है या डंप लगा रहा है? और इस क्षेत्र पर की अगर बात की जाए तो क्या इस बार पिछली बार जैसी क्षेत्र में गड़ाई हुई थी या गड़ाई कम हुई थी, और क्या एवरेज निकल रहा था? उन्हीं सभी बातों पर भी चर्चा होगी। कई हमारे साथ किसान है, तो दद्दा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अगर जाना जाए तो ये अपना श्रीनाथ आलू है, और इस आलू का क्या रेशियो निकल रहा है, कितने पैकेट बीघा तक निकल रहा है इस समय? कितने निकली है अनुमान अगर किया जाए? 25 हुए। कितने भैया बता देता, कितने पैकेट? 35-40 पैकेट का। तो भैया 35-40 का रेशियो होगा, तो क्या एवरेज अगर माना जाए पिछली साल इस तरीके के जो आलू थे उनमें क्या रेशियो निकल रहा था? पिछली साल तो 60-65। तो अपने क्षेत्र में देखिए, सामने कोल्ड भी दिखाएं, तो देखिए सामने की तरफ अगर देखेंगे तो भैया कोल्ड भी बना है। तो कोल्ड दादा इस साल भर रहे हैं कि खाली है? ये कोल्ड तो भर ये करीब और सब खाली है, टोटल सब खाली, सब खाली, सब खाली। नहीं तो पैसा बांटो, मतलब आप भाई बढ़िया सुविधाएं हैं तो इसलिए बच जाइए। हाँ, इसलिए बच जाइए, बाकी बढ़िया संभावना ना। और दादा एक बात ये बताइए कि अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो बढ़िया आलू श्रीनाथ लगभग 900-950 तक भी कहीं कदर बिक जाता है, तो क्या ये आलू किसान खेतों में बेच रहा है या कोल्ड में रख रहा है, क्या उम्मीद है? तो आप ये अपना आलू ये खेत में ही रखेंगे, मतलब खेत में बेचेंगे या कोल्ड डालेंगे? तो कोल्ड में रखेंगे। तो अपने यहाँ कोई अच्छा ये डंप लगाया जाए? डंप लगा। अच्छा डंप, अपने यहाँ डंप भी देता इस बार कुछ लगा रहे हैं किसान? क्या डंप लगा रहे हैं? डंप लगा रहे, कम लगा रहे, कम लगा रहे हैं। गांव भरे में ज्यादा 8-10 रीढ़िया हुए तो 8-10 रीढ़िया होंगी लगभग में। तो अगर देखा जाए पिछली बार हम लोग देखते रहे कि आलू में लगातार किसानों को कुछ नहीं मिला, कहीं ना कहीं लास्ट के समय की अगर बात की जाए तो किसानों का कोल्ड भाड़ा भी अपने जेब से गया, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? बाजारें तो फिलहाल में भी सही चल रही है, आगे चल के क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ तक बिक सकता है क्या, क्योंकि चुनावी समय भी है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बार आलू की? उम्मीद तो चाहे कि अंदाजा 2000 लगभग बिछू चाहिए, बिचना चाहिए लगभग। हाँ 2000। अब ये रेशियो अगर माना जाए तो 35 पैकेट का जिस तरीके से बता रहे हैं तो 2000 में बिकेगा, तो क्या उम्मीद है कि लागत पानी से बराबर होकर कुछ बचेगा कि नहीं? हाँ, साल बचेगा लग रहा है, 3 साल का घाटा पूरा होगा का? हाँ, ये पूरा। तो भैया लगभग 2000 में अगर बिकेगा तब पूरा होगा कैसा? हाँ। और अगर 1000 में बिके तो फिर का हो? नहीं पूरा तो हो, ये खर्चा है कि मतलब 600-700 में बिकता, 600-700 में घाटा हुई। तो भैया फिलहाल में अगर बात की जाए तो भैया जिस समय जिस रेंज में बिक रहा है, इस रेंज में अगर बिकेगा तो किसानों का इस साल का लागत का मूल लगन निकल जाएगा, अगर भैया 2000 में बिकाएगा तो 3 साल का निकल आएगा, मतलब 3 साल बराबर हो जाएगा। तो दद्दा है भैया, इनसे बातचीत करते हैं, किसान भाई हैं। तो भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश भैया जाना जाए तो कितना आलू लगाते हैं आप? आलू बहुत लगाते हैं। बहुत लगाते हैं, तो श्रीनाथ लगाते हैं या मतलब सिंदूरी वगैरह कुछ? सिंदूरी, श्रीनाथ सब, सिंदूरी ज्यादातर, सिंदूरी अपना ज्यादातर होता, श्रीनाथ कम, श्रीनाथ कम होता। तो सिंदूरी दादा तो पैदावार बहुत बढ़िया निकल रहा था। हाँ 50-55 ही निकल आई, 50-55। हाँ क्यों कम नहीं करी, मतलब 5 साल तो 70-70 रुपये किलो बिका निकल रहे, मतलब कम निकली, कम निकली ये तो कम निकल रही है। तो भैया इस साल देखिए है आलू की पैदावार कम है, देखिए भैया इधर सामने काम कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये भैया खेत मालिक, असली खेत मालिक भैया यही युवा है, इनसे बातचीत होगी, और बातचीत की एक बात देखें तो इधर कहीं ना कहीं युवा लगातार कार्य भी कर रहे हैं। आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज भैया अगर देखा जाए तो आजकल लगातार युवा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है, अपना आप अनुमान बताइए कि आगे चल के आलू क्या भाव तक बिक सकता है, और क्या लग रहा है कि किसानों की जो 3 वर्ष से घाटा पड़ रहा है वो घाटा क्या इस साल उम्मीद है कि बराबर हो जाएगा? इस वर्ष तो उम्मीद है कि घाटा बराबर पड़ जाएगा, 3 साल का जो 3 साल का बराबर हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं लगभग में? इस समय 2000 रुपए कांटा में आलू बिक रहा है ये वाला, आगे चल के क्या उम्मीद जताई जा रही है? आगे उम्मीद है 3000 तक पहुंचेगा क्विंटल, क्विंटल का 3000 तक पहुंचेगा। तो आप लोग ये जो आलू है ये बीज में अपना आलू जाता है कि खाने में जाता है? ये खाने में जाता है, खाने में भी जाता है, बीज में भी जाता है, दोनों जगह जाता है। हाँ। तो भैया देखिए खाने में भी जाता है और बीज में भी जाता है, लगातार अगर देखा जाए तो कार्य कर रहे हैं कई भैया लोग हैं, और आलू भी दिखाते चले खेत में देखेंगे तो ये है श्रीनाथ बोल रहे हैं या G4, G4 श्रीनाथ, मतलब लगभग में अगर बात की जाए तो एक ही नाम है, पहले G4 हुआ करता था, इस समय श्रीनाथ के मामले में क्षेत्र में जाना जाता है। और अगर बात की जाए तो हमारे साथ कई अनुभवी किसान थे, तो सभी लोगों ने बताया है कि आलू की प्रोडक्शन कम है और कोल्ड स्टोरेज भैया एक आधे जो गिने चुने हैं जिनकी सुविधाएं बहुत अच्छी वाली हैं वही भैया एक नंबर वाले भर रहे, बाकी कोल्ड स्टोरेज फिलहाल में क्षेत्र में भरने की संभावनाएं नहीं है। और दद्दा ने जो अनुमान बताया है कि भैया आलू की पैदावार भी इस क्षेत्र में दद्दा लगभग एवरेज अगर माना जाए तो 10% तो ये कम लगभग, क्या उम्मीद है?
से ज्यादा कम हो जाए, कितने परसेंट अपने अनुमान से कितने परसेंट तक कम हो जाए? सवालों को 45 सवालों को 45 सब आलू का अगर माना जाए तो 45 का रेशियो निकलेगा, तो आप आकलन लगा सकते हैं। और कोल्डों की अगर बात की जाए तो भैया इस क्षेत्र में कोल्ड ज्यादातर खाली हैं। तो ये अपडेट था तालीग्राम क्षेत्र का, और गांव की अगर बात किया सहुली गांव का अपडेट था, और अगर बात किया तो श्रीनाथ आलू था, खेत में खुदाई चल रही थी और कई किसान भाई थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।